जय हिंद दोस्तों। तो आज है 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। तो मेरे तरफ से आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस देख सकते हो जैसा कि मैं रेडी हो चुकी हूँ और रेडी होने के बाद ये झंडा वाला जो होता है बैंड वो भी पहन के रेडी हो चुकी हूँ। तो फ्लैग होस्टिंग के लिए सोची थी जाने का, तो लेकिन ग्रुप में मैसेज नहीं आया तो मेरे को पता भी नहीं चला कि कब फ्लैग होस्टिंग हो भी गया। तो इसीलिए लेकिन बाकी का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो एकेडमी के पास सारे लोग इकट्ठा हो गए आगे के कार्यक्रम के लिए। और यहाँ पे प्राइज और सर्टिफिकेट को लगाया जा रहा है क्योंकि हर साल होता है ना कि जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड करता है एग्जाम में हर सेमेस्टर में उसको ये प्राइज और सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि वो आगे चल के और भी अच्छा करे और उसको देख के बाकी लोग भी और भी अच्छा करने का सोचे। आचार्य महोदय, मेरे सहकर्मी, मेरे कॉलेज के बच्चे और मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे प्यारे से बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ, उन सबको आजादी की 78वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाइयां। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बादशाह। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगे की शान को हमेशा बनाए रखना, ऐसे तिरंगे की शान को हमेशा बनाए रखना। देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आ गए। और मेरे को यहाँ तक ये भी पता चला कि शायद इन लोगों को बुलाया जाता है प्रसाद जलेबी वगैरह खाने के लिए। देखो बच्चा लोग के जाने के बाद कितना कम आदमी बचा हुआ। हम लोग के कॉलेज का बहुत कम था, सब तो वही लोग भरा हुआ था। देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद का अंदाजा लगाना मुश्किल था। जहाँ पहले जन्मी सभ्यता, जहाँ पहले जन्मी कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे पूरा दुनिया चला। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे बच्चे, जितने भी बच्चे आए हुए, सबको प्लेट में जलेबी दिया जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि हाथ में प्लेट में दिया जा रहा है। फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था वो चीज़ आ गया है मेरे हाथों में। और आज के दिन ही इतना गर्मी करना था कि दिमाग ख़राब हो गया इतनी गर्मी में। वैसे जिसका वेट कर रहे थे वो चीज़ तो मिल गया पता है, लेकिन ऐसा होता ना कि बुनिया झीलिया ज़्यादा सही लगता है जलेबी से, क्योंकि जलेबी तो ऐसे भी नॉर्मल डेज में खा लेते, बुनिया झीला थोड़ी हमेशा मिलता है खाने को। तो इसी के साथ 78 इंडिपेंडेंस डे जी सी बाका का होता है खत्म। होप आप लोग को ये सेलिब्रेशन पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल याद से। और हाँ, ये जलेबी खा लो वीडियो पे ही यहीं से, क्योंकि नज़दीक जाके तो आप लोगों को दे नहीं सकते जलेबी, तो इसलिए वीडियो पे ही खा लो। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।